बॉलीवुड में अभी फिलहाल जो सेलिब्रिटी की शादी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वो है राहुल वैद्य और दिशा परमार। अब राहुल वैद्य ने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर दिशा परमार काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई। जी हाँ दोस्तों, सभी फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर हनीमून पर दिशा परमार को राहुल वैद्य कहाँ लेकर जाएंगे, तो आखिर क्या प्लानिंग है। तो इसके बारे में राहुल वैद्य ने जो कहा है उसी को देखकर, उसी को सुनकर दिशा परमार काफ़ी इमोशनल हो गई। दरअसल अभी पैंडेमिक के चलते हुए राहुल वैद्य ने कहा है कि वो पहले शादी के जज्बात, जैसे कि 16 जुलाई को इन दोनों की शादी होने जा रही है, तो अब दिशा परमार को वो काफ़ी सरप्राइजेस प्लान कर चुके हैं और उन्होंने जो जो वादे दिशा परमार से किए हैं, जो भी उनके प्रॉमिसेस उन्होंने किए हैं, वो शादी के बाद पहले उन कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे और उसी के बाद में हनीमून पर जाएंगे। दिशा परमार से जो भी वादे राहुल वैद्य ने किए हैं, चाहे वो उनसे की प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो या फिर जो भी उन्हें कहीं पर भी कुछ भी चीज़ें उनके लिए दिलवाना हो या फिर कुछ उनके ड्रीम्स हो जो वो पूरे करना चाहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा पर्सनल चीज़ें हैं जो राहुल वैद्य ऑफिशियली शेयर नहीं करना चाह रहे थे, यानी पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दिशा परमार से वादा किया है कि जो भी कमिटमेंट से पहले वो उनको पूरा करेंगे शादी के जस्ट बाद, और उसी के बाद में हनीमून की प्लानिंग करेंगे। और उन्हें सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो यूरोप है, तो यूरोप ही वो जाना पसंद करेंगे हनीमून के लिए। तो दिशा परमार के लिए काफ़ी कुछ प्लान कर रखा है राहुल वैद्य ने, जो कि कमिटमेंट्स वो शादी के जस्ट बाद पूरे करेंगे, जिसे सुनकर दिशा परमार काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई। बिग बॉस उसमें भी राहुल वैद्य ने काफ़ी बार यूरोप के बारे में डिस्कस किया था और हमेशा वो दिशा परमार के बारे में तारीफों के पुल बांधते नजर आए थे। इससे साफ झलकता लगता है कि दिशा परमार से राहुल वैद्य जो भी वादे कर रहे हैं वो जरूर पूरा करेंगे और इनकी शादी के लिए फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो भाई जल्द ही हमें भी पता चलेगा इनकी शादी के बाद में आखिर वो कौन से कमिटमेंट्स हैं जो राहुल वैद्य दिशा परमार से पूरे करते हैं।